हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बनी थी कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। हाँ जी, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए स्टूडेंट हो, आप सीरीज देख सकते हो। बस आपका जो सेमेस्टर है ना, वो याद रखना वो 2, 4 या फिर 6 होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा चैप्टर करने हैं। दूसरे चैप्टर का ये फिलहाल पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। मतलब तीसरी वीडियो चल रही है प्लेलिस्ट की। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए देख के आइए। चैप्टर का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस। थ्योरी वाला पार्ट हम कर चुके हैं, इस बार हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट। सिंपल इतना। चलिए आज 2 क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, मतलब कॉस्ट शीट बनाने के। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे फटाफट से, दोनों क्वेश्चन, एक थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन ले लेंगे, एक थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन ले लेंगे, मतलब हार्ड वाला जो भी आता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो भी तरीके का क्वेश्चन आएगा। चार्ट में क्वेश्चन आया तो इजी वाला, मतलब इजी वाला आता है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन तक आया, 6 या 8 नंबर क्वेश्चन आया तो हार्ड वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप कोई से भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे आराम से, सिंपल सर। चलिए, तो भाई क्वेश्चन के लिए मैंने क्वेश्चन प्रिंट आउट कर लिया, प्रिंट आउट किया वही नोट कर लिया है ताकि आपको समझा पाऊँ। आपके लिए मेरे को फोटो लगानी पड़ेगी इधर उधर कहीं पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, नोट्स वोट्स परचेज करना चाहते हो, नोट्स वोट्स खरीदना चाहते हो, तो भाई किस नंबर पे? हाँ जी, हमारा नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586, ये नंबर दे रखा है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल से, ठीक है। हाँ जी, जो आपकी पूरी बुक है वो बड़ी बुक होती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने नोट्स दिया कर रखे हैं आपके, सिंपल सर। हाँ जी, तो जल्दी आपका कवर अप हो जाएगा सिलेबस, वरना सीरीज तो आपकी चली रही है, जिसको देखना देख सकते हैं आराम से, है ना भाई। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे लिख रहा है ना। हाँ जी, एक बार पहले वीडियो बना चुका हूँ ना मैं वाली, और क्या बोलते हैं, फिर याद आया रिकॉर्ड चालू नहीं किया था बटन, तो इस वजह से रिकॉर्ड हुई नहीं वो वीडियो, तो इसलिए दोबारा चालू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां पे लगा दूंगा मैं, ठीक है, तो आप आराम से देख पाओगे। तो चालू करते हैं पहला टॉपिक, मतलब कॉस्ट शीट बनाने का। कॉस्ट शीट में आपको फॉर्मेट याद है, कॉस्ट शीट में क्या क्या बनाने के लिए बोलता है। पहली चीज आपसे बोलता है बनाने के लिए कि आप निकालिए प्राइम कॉस्ट, क्या निकालना है? प्राइम कॉस्ट। दूसरी चीज उसके बाद आप बोलता है आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज आपसे बोल सकता है वो निकालने के लिए क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता है। और चौथी चीज आपसे बोल सकता है निकालिए टोटल कॉस्ट, ठीक है, या फिर टोटल सेल, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ टोटल सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी हमारा आपने बेचा उसकी सेल कॉस्ट निकालिए, ठीक है। पांचवी और आखिरी चीज आपसे बोल सकता है निकालिए सेल्स, बस ये आखिरी चीज, मतलब ये कॉस्ट में बस ये 4 चीजें 5 चीजें पूछेगा और आप निकालने के लिए बोलेगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो निकाल के देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपको बगल में ही दिख रहा होगा, आपके बुक में से ही उठा लिया सर, आराम से देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, कॉस्ट शीट के अंदर हमको पता है प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको जोड़ा जाता है। आपको बताया था ना मैं, जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की, मतलब 3 तरह की होती है। पहली चीज, एक तो कॉस्ट होती है कौन सी, डायरेक्ट, मैं भूल गया, एक कॉस्ट होती है कौन सी, डायरेक्ट, अरे याद नहीं आ रहा, हाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वैसे हाँ जी, एक होती है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी होती है वेज कॉस्ट यानी कि लेबर की कॉस्ट, और तीसरी होती है नॉर्मल एक्सपेंस जो भी होते हैं। मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो 2 तरह की होती है, डायरेक्ट वाली भी और इनडायरेक्ट वाली भी। वेज कॉस्ट भी होती है 2 तरह की, एक डायरेक्ट वाली और एक इनडायरेक्ट वाली, है ना। सेम इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बताया था जितने भी डायरेक्ट वाले हैं इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट, है ना, आपका क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। और जितने भी इनडायरेक्ट वाले हैं उन सब चीजों को जोड़ते हो तो क्या आता है आपका, आपका आता है ओवरहेड, क्या आता है, ओवरहेड, सिंपल सर। हाँ जी, और जो ओवरहेड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मैंने बताया था। पहला ओवरहेड होता है फैक्ट्री का, पहला ओवरहेड कौन सा होता है, फैक्ट्री का। दूसरा होता है डिपार्टमेंट, कौन सा, जो ऑफिस का होता है ना वो वाला। दूसरा ओवरहेड किसका होता है, ऑफिस का, ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं इंडायरेक्ट खर्चे वो लेने होते हैं। तीसरा ओवरहेड होता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, पहले से बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये अच्छे तरीके से साफ साफ तरीके से आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है, समझ में आया, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया वहाँ पे। चालू करते हैं, फिलहाल हमें निकालनी है क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के। तो देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा दो। जैसे साइड में लिखा है, पहला एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल कॉस्ट, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट ही दे रखा है सीधा आपको, कितना, 2 लाख रुपए। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्टिव कॉस्ट, मतलब प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब किसी काम को प्रोडक्शन करने के लिए आपने जो वेजेस दिए, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट है सीधा, आप माल बनाने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए वो वेजेस दे रहे हो, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। कौन सी, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, 1,50,000। दूसरा
इनडायरेक्ट लेबर भाई ये इनडायरेक्ट, एक तो इनडायरेक्ट मतलब जो कि ओवरहेड होता है, तो ओवरहेड वो भी कौन से हैं, लेबर वाले। लेबर किस में काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे आएगा सिंपल इतना। चलिए यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। उसके बाद भाई आता है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड क्या होता है, ये डायरेक्ट वाले होते हैं, डायरेक्ट वाले मतलब सामान को खरीदने के लिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है सीधा। उसके बाद आएगा मतलब प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए काम आएगा अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। अदर दे रखा है अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। अदर फैक्ट्री एक्सपेंस कब काम आते हैं सर, अदर है ये, हाँ भाई अदर है। तो अदर फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ पे काम आएंगे, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस भाई ये फिर फैक्ट्री के साफ सीधी बात, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा ये। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस किसके अंदर आते हैं, ऑफिस के खर्चों के अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी, जो कि हेल्प करेंगे क्या निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में। उसके बाद करते हैं हम क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस भी किसमें आएगा, लीगल एक्सपेंस आएगा भाई इसके अंदर, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड होते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, किसी गुड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए जो आपने टेस्टिंग में खर्चा किया। टेस्टिंग क्यों करवाते हैं सर, ताकि माल बेच पाए आराम से, है ना। हाँ जी, तो टेस्टिंग एक्सपेंस किस में आएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि लास्ट वाले में, जो कि हेल्प करेगा कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्या है, जनरल मैनेजर की सैलरी। जनरल मैनेजर की सैलरी किसमें होती है, ऑफिस एक्सपेंस में। और उसके बाद क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस नाम से पता चल रहा है, माल को बेचने के लिए एक्सपेंस किया, तो ये इसमें आ जाएगा। और लास्ट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हेल्प करेगा सेल्स निकालने के लिए बस आपकी। चालू करते हैं, देखिए डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले आपको देखा क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वही ले लेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना हो गया 2 लाख, तो मैंने 2 लाख रुपए का क्या ले लिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद प्रोडक्ट वेजेस, तो भाई प्रोडक्टिव वेजेस क्या होते हैं, डायरेक्ट वेजेस होते हैं, तो ये रहा प्रोडक्टिव वेजेस, कितना 150,000, तो 150,000 सिंपल, ठीक है। इसके बाद क्या रखा है, और हमें चाहिए क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा था, इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, क्या बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या ले रहा हूँ, कैरिज इनवर्ड, सामान को लाने के लिए खर्चा किया, भाड़ा दिया हमने कितने रुपये, 20,000 रुपये। चलिए, तो हमारा प्राइमरी कॉस्ट कितना आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 3,70,000 सिंपल इतना प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, क्या ऐड करने पड़ेंगे, फैक्ट्री के जो भी ओवरहेड है, क्या ऐड करने पड़ेंगे, फैक्ट्री के ओवरहेड, सिंपल। अब मैं फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ना चालू करता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड देखो कौन कौन से हैं। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चे किए गए हैं, तो पहला चीज देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अभी तक 13 इनडायरेक्ट लेबर, तीसरे नंबर पे दे रखा है भाई इनडायरेक्ट लेबर। तो लेबर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री के अंदर, तो बस इनडायरेक्ट। और ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चे जो भी होते हैं, ओवरहेड मतलब जो भी इनडायरेक्ट खर्चे थे वो वाले, तो क्या हो गया इनडायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, LABOUR, इनडायरेक्ट लेबर कितना हो गया 10,000, हो गया 10,000। चलिए इसके अलावा और क्या दे रखा है फैक्ट्री का भाई, पांचवें नंबर पे आपको दे रखा है अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 25,000, ये भी फैक्ट्री का है, तो ये रहा अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। और कोई फैक्ट्री का है, देखिए 25,000 हो गया। इसके अलावा और कोई फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस के एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, नहीं भाई और कोई फैक्ट्री का एक्सपेंस है ही नहीं, तो बस हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड निकल आ गया दोनों के दोनों, और ये क्या आ जाएगा हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। सुन मैं, ये क्या हो गई फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा आगे बताऊंगा अगला बार, ये वाला क्वेश्चन इजी वाला है 4 नंबर का, इसलिए हम इस तरीके से निकाल रहे हैं नॉर्मल। आगे चल के बताऊंगा भाई, जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना, ये 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस कॉस्ट और एक होती है नेक्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रॉस कॉस्ट होती है और एक होती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अलग है और नेट फैक्ट्री कॉस्ट अलग है, तो वो दोनों चीजें निकालने की सीखेंगे जब बड़ा क्वेश्चन करूंगा ना इसके बाद वाला, वो वाला उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई अपनी, तो आपने देख लिया भाई 70, 80, 90, 100, यानी कि 4,05,000 रुपए की आ गई, क्या ये आ गया आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है आपको, इसके बाद अच्छा इसके बाद हमें क्या चीज ऐड करनी पड़ती है, फैक्ट्री वाला हो गया ना, अब हमें ऐड करना है ऑफिस के ओवरहेड, क्या और करने, ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस के ओवरहेड देखिए फटाफट से कौन कौन से, पहले चीज ऑफिस के एक्सपेंस दे रखे हैं डायरेक्टली ही, कितने नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे नंबर पे है ऑफिस के ओवरहेड, कितना 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए ऑफिस के ओवरहेड ले लिए हमने। उसके बाद लीगल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस ले लिए 40,000 के। दूसरी चीज हमने क्या ली, हमने दूसरी चीज ली है भाई लीगल एक्सपेंस, तो लीगल एक्सपेंस कितना लेना है, लीगल एक्सपेंस 10,000 रुपए, चलिए तो 10,000 रुपए ये भी ले लिया। इसके बाद कोई और है फैक्ट्री का खर्चा, हाँ जी जनरल मैनेजर को भी पेमेंट करनी है, तो हमने जनरल मैनेजर को क्या दिया है, सैलरी दी है, तो ये सैलरी भी इसका खर्चा है, किसका, ऑफिस का, ठीक है। तो इस ऑफिस का खर्चे में आ गया 30,000 रुपए और, तो हमारा टोटल कितना खर्चा हो गया देखिए ध्यान से, तो टोटल खर्चा और इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 40 50 60 70 80 80 हो गया, यानी कि 485,000। सिंपल इतना। चलिए इसके बाद करते हैं, हमें क्या ऐड करना है, इसके बाद ऐड करना है कौन से खर्चे, सेलिंग डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं वो ऐड करने हैं। सेलिंग डिपार्टमेंट देखो क्या करता है, एक तो क्वालिटी चेक पे खर्चा किया है, तो यह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, पहली चीज उसका टेस्टिंग के पे जो खर्चा हुआ है वो वाला खर्चा, दूसरी चीज में और कौन सा खर्चा ऐड करना है, सेलिंग एक्सपेंस अलग से दे रखा है, तो यह सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो उसका क्वालिटी का कंट्रोल का खर्चा कितना हुआ है, 5,000 रुपये क्वालिटी टेस्टिंग का, और हमें खर्चा दे रखा है किसका, सेलिंग एक्सपेंस 20,000 रुपये। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, हाँ जी 80 और 20 हो गया 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख, 5,10,000, यानी 5,10,000। सिंपल इतना, बढ़िया आगे चलते हैं। हाँ इसके बाद कुछ रह गया, नहीं जी बस इसके बाद कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन, बस आपको क्या निकालना है, अब आपका क्या आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट आपकी निकल गई, ठीक है, आपने क्या निकाल दी, टोटल कॉस्ट, बस टोटल कॉस्ट आपकी आ चुकी है। इसके बाद अगर आप निकालना चाहो, अच्छा इसके अंदर भी आगे बताऊंगा फिर दोबारा से, या जो ये होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सीधा टोटल कॉस्ट ही निकलती, कुछ अगर टॉपिक दे रखे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको फाइनल गुड्स दे रखा होता, फाइनल गुड्स का प्राइस, इसमें तो दे रखा फाइनल गुड्स का प्राइस दे रखा होता, तब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालते इसके बाद, मतलब कि टोटल 7 एलिमेंट इसके अंदर निकाल सकते हैं कॉस्ट शीट के अंदर, लेकिन इसमें 5 ही क्वेश्चन एलिमेंट ज्यादातर पूछा है, छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाँ जी फिलहाल इसके में चलते हैं। टोटल कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट करते हैं ऐड, ये प्रॉफिट ऐड कर दिया, और कितना कह रहा है 20%, वो भी टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट यानी इसका 20%, यानी कि 5,10,000 का कितना परसेंट, 20%, यानी 20/100, ठीक है, यानी कि इससे कट गया 20 और ये कट गया 5 पे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 02 और 000, यानी कि 5,02,000 रुपये का आ गया प्रॉफिट ऐड करने के बाद, क्या आ गया आपका ये सेल्स, तो सेल्स कितने की आ गई, सेल्स आ गई आपकी, अच्छा प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है, अभी माइनस माइनस कर दो तुम कुछ, तो भाई ये हो गया 5,06,612,000, सिंपल सर, तो ये आपका आंसर आ गया सेल्स का 6,12,000, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ भाई चलिए इतना समझ आ गया भाई, आसान था ना, बढ़िया, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेते हैं, ठीक है, हाँ जी स्क्रीन शॉट लेने का तो टाइम दे ही दिया था आपको, आगे चले इसके बाद देखते हैं सर दूसरा क्वेश्चन, जिसको नोट करना है एक बार और दे रहा हूँ टाइम, नोट करो यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही, हाँ भाई श्योर है, चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए यहीं पे साइड में लिख दो ना, ये मिटा दो थोड़ा सा, उतने में तो आ ही जाएगा, ये मिटा दो भाई डायग्राम, तुम्हारे किसी काम का नहीं, अब तो याद हो ही गया होगा, याद कर लो भाई, ये याद करने वाली चीज़ें हैं भाई, क्या करें, अब तुम याद करोगे तभी हो पाएगा, अगर तुम याद नहीं करते वैसे ही जाओगे तब तो भाई क्या ही बोले, क्या ही कर सकते हो, मेरे को पता है कॉलेज के बच्चे पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं आधे बच्चे, है ना, बस खाली यूट्यूब की वीडियो देखी और एक बार मैं चले गया उठ के क्वेश्चन करके, जय माता दी करने, है ना, जरूर करना भाई, सब चीज़ जो तुम यूट्यूब से सीख के गए सारी चीज़ें वहीं आएंगी एग्जाम्स में, और भाई घंटा दार कर देती हैं फिर नंबर कम आ जाते हैं, और 60% से कम नंबर लाते हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, समझ रहे हो, हाँ जी शुक्र है, टॉपिक का नाम आता है कॉस्ट शीट, फिर से दूसरा क्वेश्चन सर देखिए, वाला क्वेश्चन हो गया ना सिंपल सा, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक काम करता हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है ना एक बार दोबारा खुद प्रैक्टिस करके देखना, मैंने क्वेश्चन दे दिया था, है ना, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, ताकि मतलब एक बार मैंने समझा दिया है लेकिन वीडियो बंद करके एक तरीके से कि तुम्हें समझ में कितना आया, कितना समझ में पा रहे तुम, ठीक है, इस तरीके से खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी और तैयारी कर लेना क्वेश्चनों से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है तो मैं करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन साइड में दे रखा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, तो पैरा कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है और प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या निकालना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है, कितने का आपने माल बेचा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपको ये वाला निकालना है टोटल कॉस्ट, ठीक है, नहीं टोटल, हाँ टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको, टोटल कॉस्ट की नहीं है, आगे चलते हैं, टोटल कॉस्ट और उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, एक आइटम तीन तरह के तो स्टॉक दे रखे हैं आपको, कौन सा स्टॉक, एक तो रॉ मटेरियल, एक दे रखा है फिनिश गुड्स और एक दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अलग से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को याद रखना, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या करेंगे माइनस, सिंपल है, माल आ रहा है स्टार्टिंग में बिजनेस में माल था तो ओपनिंग स्टॉक प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक माल बिक नहीं पाया या फिर माल क्या रह गया इतना तो उसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, चलिए आगे चलते हैं,
हाँ जी कह रहा है दोस्त अगले बार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 30,000। हाँ जी, जो रॉ मटेरियल दे रखा है ना पहले से ही, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक में परचेज वाला जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं। डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं भाई? ये होता है डायरेक्ट वेजेस, वो दे रखा है सीधा। हाँ, उसके बाद दे रखा है वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस कौन से होंगे? भाई ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस माना जाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि नीचे ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है। वर्क एक्सपेंसेस कौन से होंगे? फैक्ट्री के एक्सपेंस। तो ये प्राइम कॉस्ट के अंदर नहीं जुड़ेंगे, सिंपल। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो लिख के देता सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस को, ये कैरेज इनवर्ट जैसा, लेकिन इसने वर्क एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो इनडायरेक्ट मान लेंगे हम। इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई क्या रखा है वर्क एक्सपेंसेस के बाद? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस किसके अंदर आएंगे? जो ऑफिस के खर्चे होंगे, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहाँ पे ऐड करने के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ऐड किया जाएगा उसके, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसे ऐड करेंगे, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस को। और उसके बाद क्या रहा है? डेप्रिसिएशन। ओ ये भी चीज है क्या? सही है भाई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका खर्चा होता है? फैक्ट्री का खर्चा। सर फैक्ट्री में मशीन यूज होती है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो जो यहाँ पे करेंगे ना, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? फैक्ट्री के जो ओवरहेड ऐड करेंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। और ये जो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, वो स्क्रैप वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल के हमने स्क्रैप, स्क्रैप मतलब कबाड़ा, तो कबाड़ा हमने बेचा तो उससे पैसा आया, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। हाँ जी निकालते हैं, तो यहाँ पे चालू करते हैं। तो भाई सबसे पहले चीज हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल। तो पहली चीज आएगी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है कितने का? तो देखो पहले था ओपनिंग स्टॉक वाला ऐड होता है ना, पता है ना आपको ये, तो ओपनिंग स्टॉक वाला ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक वाला माइनस करते हैं। और इसके साथ साथ परचेज भी ऐड करना था, मैंने बताया था परचेज भी था इसके अंदर आइटम में। तो कितना हो गया ये हमारा आ जाएगा इसका टोटल करके डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और कितना आ गया? ओपनिंग स्टॉक कितना? 25,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं भाई, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 26,000, इसको माइनस करना है। और उसके बाद परचेज कितना किया आपने सामान? 30,000, तो 30,000 का परचेज किया, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? तो 25 से घट गया, एक एक में से घट गया 29, यानी कि 29 आ गया डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। तो ये रहा कैसे निकाला डायरेक्ट मटेरियल, हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करके निकाल लिया डायरेक्ट मटेरियल, और कितना आ गया हमारा 29,000, सिंपल ना। चलिए उसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस ऐड करते हैं, तो ये रहा डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है आपको? 17,000, यही है ना? हाँ जी 17,000 रुपये डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, सीधा लिखिए ये बात 17,000। उसके बाद वो डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? कोई कैरेज इनवर्ट वेनवर्ट देखा हो? नहीं जी कुछ नहीं देखा, तो बस इन्हीं दोनों जोड़ के आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है, बढ़िया। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया आपका? 17 और 29, 30 मान लेते हैं, 30, 40, 40 और 46, 46,000 आपका क्या आ गया? हाँ जी ये आ गया प्राइम कॉस्ट आपका, सिंपल सर, बहुत अच्छे, परफेक्ट। इसके बाद करते हैं, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा हाँ, अभी आवाज आती है फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट मैंने बताई थी, दो तरह की फैक्ट्री कॉस्ट होती है, एक तो कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होती है और एक नेट फैक्ट्री कॉस्ट होती है, ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाले। पहले निकालते हैं नॉर्मल वाली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैसे ऐड करती है? इसके अंदर ऐड करना पड़ता है जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं, बढ़िया। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री के एक्सपेंस। अब देखिए फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे हैं, एक तो आपको दे रखा है, कौन सा दे रखा है? वर्क एक्सपेंस, दिख रहा है भाई वहाँ पे वर्क एक्सपेंस, बहुत अच्छे। तो वर्क एक्सपेंस कितने का दे रखा है? 8,800 का, ये फैक्ट्री का ओवरहेड है, तो 8,800 इसके अंदर लिख देंगे, सिंपल। अच्छा इसके बाद और क्या दे रखा है आपको वर्क एक्सपेंस के बाद? देखिए और कुछ तो होगा वर्क एक्सपेंस फैक्ट्री का, और कुछ डायरेक्ट वेजेस हो चुके हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो चुका है, सेलिंग एक्सपेंस है, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं भाई, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन। तो पहली चीज हमने क्या लिखी इसके अंदर? वर्क एक्सपेंस, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या लिखने जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में से क्या माइनस करना है? माइनस करना है हमें क्या? स्क्रैप वैल्यू, जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी उसको माइनस किया जाएगा। यानी डेप्रिसिएशन था कितने का? डेप लगा था 8,000 रुपए का, उसमें से माइनस करना है हमें 3,000 रुपए का क्या? स्क्रैप। चलिए तो अब कितना आ गया? 5,000, वो 5,000 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिंपल, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से भाई पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से नंबर लाते रहो। तो 5 और 3 हो गया, मतलब 8, 5 से हो गया 13, 13, और कुछ तो नहीं ना? हाँ जी ये हो गया, ठीक है, 8, 5, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19, यानी कि 59,800 भाई। वह कैलकुलेशन देखते रहे ना, कभी उसी में गड़बड़ हो जाए कैलकुलेशन में। तो 7, 7, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 का, ठीक है भाई, परफेक्ट अभी तक। चलिए तो ये चीज़ हो गई, अब हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से हमें नेट प्रॉफिट मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना, तो क्या करें, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना उसको प्लस माइनस करना पड़ता है, बस सिंपल सही लॉजिक है। फैक्ट्री कॉस्ट दो तरह के होते हैं, ग्रॉस वाला और नेट वाला। तो ग्रॉस और नेट से, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए करना पड़ेगा, जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस जो आउटपुट था आपका। देखो माल अभी कितना रह गया, जो बना नहीं है, अधूरा माल जो है, तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस और फिर माइनस करेंगे किसको, क्लोजिंग वाले को। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक को प्लस, क्लोजिंग वाले को माइनस, यानी 9000 को माइनस करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा, 9000 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, तो ओपनिंग में से 9000 घटाएंगे, मतलब 8000 में से जब आपके गए 9000 तो बच गया माइनस का 1000, तो 1000 को घटा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका, हाँ जी ये बन गया आपका 58800 सिंपल। और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, सिंपल इतना, हाँ जी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 58800, इतना समझ में आ गया भाई, दिख रहा है ना, बहुत अच्छे, परफेक्ट, अच्छे तरीके से समझ रहे तुम, ठीक है। हाँ जी आगे चलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आप क्या निकाल सकते हो, एक चीज और निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद निकलता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। और अभी फिलहाल हमें क्या जोड़ना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, हाँ जी ऑफिस का ओवरहेड, चलिए जोड़ना चालू करते हैं फटाफट से, ऐड कर देंगे क्या, ऑफिस के ओवरहेड, ठीक है, आ जाएगा ना कॉस्ट ऑफ, हाँ जी अब आ जाएगा ऑफिस के ओवरहेड, इसमें देख रहे हैं ना, मैं कहाँ देख रहा हूँ, ऑफिस के ओवरहेड का है सर, ऑफिस के ओवरहेड, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ये रहा ऑफिस भाई, ये कितना है 3000 रुपए, ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है कितना 3000, तो वो ऐड कर देंगे 3000 रुपए। और देखिए और कोई ऑफिस का खर्चा है, तो इसके अंदर परचेज रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वर्क एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस भाई और कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, ये हो गया चलते हैं 3000 जोड़ दिया 8 9 10 11 यानी कि 61800 सिंपल इतना, बहुत अच्छे ऑफिस के ओवरहेड जोड़ दिए। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए जो फिनिश गुड्स होता है उसकी कैलकुलेशन करनी है, बस खाली आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो कितना है, तो फिनिश गुड्स कितना था, तो फिनिश गुड्स लेना है, फिनिश गुड्स GOODS, ठीक है, कितना था, ओपनिंग स्टॉक था 17000 का, उसमें से माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक जो कि था 16000 रुपए का, यानी जो डिफरेंस आया वो 1000 रुपए का आया, वो प्लस में, तो 1000 रुपए हमें क्या करने हैं, प्लस करने हैं, 1000 रुपए प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका 62800, इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र, चलिए तो क्या हो गया भाई, ये आ गया 62800। और ये क्या आंसर आ गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया आपको। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, टोटल कॉस्ट हो चुकी, मतलब टोटल कॉस्ट, मतलब क्या निकाला था अभी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो चुका था, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया, अभी निकालना है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है सर, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, वो आपको ऐड करना पड़ता है। चलिए जी तो ऐड कर देते हैं फटाफट से, ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, शुक्रिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा देखो कितना है, तो सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है बस नॉर्मल सा 4000 रुपए, तो 4000 रुपए ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये आपका आ गया कितना, ये आ गया चलते हैं 66800, 66800। और ये क्या आ गया आपका टोटल कॉस्ट, TOTAL कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गया, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेम बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल दो या फिर टोटल कॉस्ट बोल दो, समझ में। अब इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब आपको क्या आता है, सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स आता है, लेकिन इसमें देखो सेल्स आपको पहले से ही दे रखा है, देख रहा है, अरे तुम्हें तो वहां पे दिख रहा है ना, हाँ जी। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखो आपको सेल्स दे रखा है यहीं पे, हाँ जी मेरे को दिख रहा है, देखो लास्ट से तीसरे पे दे रखा है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 77000, ठीक है भाई। तो आपको सेल्स ऑलरेडी दे रखा है, सोचो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी आपके माल की 66800, इसके अंदर आप ऐड करते हो क्या, प्रॉफिट, क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट, तब आपका क्या आता है, सेल्स निकल के आता है, ऐसे ही होता है ना, प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल्स आता है, जबकि सेल्स आपको दे रखा है कितना 77000। अब 77000 रुपए का पहले से ही, देखो आपने माल बेच रखा है 77000 का, और आपकी कॉस्ट कितनी थी 66800, तो आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, बस माइनस करके निकाल लो, बस क्या करना है आपको 77000 में से माइनस कर देना है 66800,
ठीक है भाई। तो 7000 वो था और 3000 ये हो गया, 7, 8, 9, 10, 10,200 हो गया, 10,200 रुपए का आपका प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया और जो आपको निकालना था कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये रही भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये रही 66,800, आपने वो भी निकाल ली। सिंपल इतना, कोई डाउट तो नहीं ना? मेरे को लगता है भाई मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया तो आपको समझ में आ भी गया होगा, आसान था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत अच्छा। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो ये टॉपिक पूछेगा, छोटा क्वेश्चन आया तो बस खाली 5 एलिमेंट में से कोई सभी एलिमेंट निकालेंगे बोल देगा, आप पूरी कोस्ट शीट बना देना, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी। बस याद रखना डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से आप डायरेक्ट मटेरियल निकाल लोगे, ठीक है। इसके अंदर एक एलिमेंट रह गया, अभी एलिमेंट आता तो फिर वो यहाँ पे आता जिसको हम बोलते हैं चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल। हाँ जी, इसके अलावा बाकी और कुछ रहता नहीं है क्योंकि मैंने बड़ा क्वेश्चन भी करवा दिया, एक छोटा क्वेश्चन भी हो गया, आपकी कोशिश खत्म हो गई, सिंपल। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है ना कि आपको डाउट आ रहा है तो भाई एक बार कमेंट कर देना नीचे, टेंशन मत लेना, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी सी और उस पर दिखा दूंगा आपको, मतलब कि जो भी डाउट होंगे एक दो क्वेश्चन और बढ़िया से बढ़ा के फिर करवा दूंगा। तब तक अभी अगर आपको समझ में आ गया लिटरली तो अभी तो क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर देख लेना, आपका हो जाएगा आराम से तैयार, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। और भाई बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बना दो, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो। भाई देखो, एक इंसान मैं एकदम से सारी प्ले लिस्ट नहीं बना सकता क्योंकि क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, आराम आराम से बनेगी तो सर जितनी बन पाएगी मैं उतनी बनाऊंगा। बाकी चैनल पे पड़ी हुई सर दिवेश्वर ने बना रखी है या फिर किसी और टीचर ने बना रखी होगी तो फिर आप आराम से देख सकते हो, यूट्यूब है आपके पास, गंगा सागर है उसके पास, सर यूट्यूब पर हर चीज मिल जाती है, आप आराम से देखो आराम से मिल जाएगी। हाँ, मेरे से बोलोगे तो सर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो आपने आगे बोल दिया, हाँ हो सकता है एक बार जॉब मैं बनाने जा रहा हूँ क्या पता आप वही बोल दो, लेकिन आपका ओपिनियन मैटर करता है सर, मैं देखूंगा। लेकिन ज्यादातर बच्चों को जिसका कमेंट आता है जैसा, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है ना कि किसका क्या जरूरत है इसमें, तो उसके तो उसको देखे माइंड मत होना कि मेरी वाली वीडियो नहीं बनाई या फिर मेरी वाली वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। बाकी सब चल ठीक है चलता है, हाँ ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। हाँ जी, तो आज बस इतना ही, समझ में आ गया, ठीक। और भाई जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब रखा है, सच में बता रहा हूँ मेरे को ना दिल से थैंक यू भाई आपको, दिल से कहा गया, शरीर के अंग से थैंक यू, गले जो से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग से, ये छोटी उंगली का नाखून दिख रहा है ना, इससे भी थैंक यू आपको अगर आपने कर रखा है पहले से। अगर आपने नहीं किया कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, आफत तो आ नहीं रही ना, अब बैठो आराम तक, कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की, ठीक है। अच्छा करने जा रहे हो, कर दो आराम तक, कोई मन नहीं है, मर्जी आपकी जैसा आप मन करे, और इसके बाद कुछ रह नहीं गया करने का। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह आज दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ओह सॉरी शायद नीचे देख लिया भाई, देख लो बस खाली सेल्स लिखा हुआ है 77,000, सिंपल और कुछ नहीं लिखा उधर। चलिए, तो जिसको कॉन्टैक्ट करना है फोन नोट्स परचेज करना है नोट्स परचेज कर लेना, जिसको नोट करना है नोट कर लेना, जो तैयारी कर रहा है बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, और तैयारी अच्छी तरीके से हो, ठीक है, बाय बाय। Thank you.